हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ये वीडियो है पहले के ज़माने में, पहले ज़माने नहीं, इसे 5, 10, 8, 10 साल पहले कैनिस्टर इंजन चला करते थे और जो खेतों में पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते थे, पानी लगाने के लिए दरिए दरिए। तो लोग क्या करते थे, लिस्टर इंजन पहले समरसेबल नहीं थे, ट्यूबवेल नहीं थे, तो लिस्टर इंजन से और ये यहाँ नीचे पंप रखते थे। ये करीबन 20 फुट होगा नीचे, 20-30, बहुत गहरा है। तो यह देखने में भी बहुत डर लग रहा है। तो आज के ज़माने में ये देखिए पाइपलाइन लग चुकी है, लोगों ने पाइपलाइन लगा ली जिससे खेती आसान हो गई है, पानी की इतनी समस्या नहीं रही है। पहले लिस्टर इंजन से लगाया करते थे तो बहुत दिक्कत हुआ करती थी। ये लिस्टर इंजन है राजकोट फील्ड मार्शल का है, अच्छी जानी पहचानी कंपनी है, फील्ड मार्शल मेड इन राजकोट, राजकोट में बना हुआ फील्ड मार्शल इंजन है। जो लिस्टर इंजन चला करते और एक और चला करते जो जनरेटर में चलते हैं, एक वन व्हील वाला या डबल व्हील वाला है। तो ये लिस्टर इंजन है जो काफ़ी कम डीजल खपत करते थे, डीजल के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है, डीजल बहुत कम खाते थे और काम बहुत पानी ज़्यादा निकलता था और ये डीजल बहुत कम खाते थे, पानी ज़्यादा देते थे। और एक और दूसरे टाइप का आता था, वो डीजल ज़्यादा कंज्यूम करता था लेकिन पानी वो भी देता था लेकिन कम देता था। लेकिन ये डबल व्हील है, वो सिंगल व्हील में आता था, तो वो डीजल की खपत उसकी ज़्यादा थी, तो वो करीबन 1000, 1200, 1400, 1500 चक्कर पे चलता है। ये 600-700 चक्कर पे ही RPM, और वो 1200, 1300, 1400, 1500 RPM पे चलता था जब इतना पानी देता था। ये 600-700 से RPM पर और पानी बहुत ज़्यादा देता है, इसका टॉर्क ज़्यादा होता था, इसके RPM कम लेकिन इसमें ताकत ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है, इसका पिस्टन का साइज भी बहुत बड़ा होता है। देखिए यहाँ एक बड़े में पिस्टन चलता है इसमें, तो इसका टॉर्क ज़्यादा था और दो प्लाई व्हील होने की वजह से इसमें पावर भी ज़्यादा और उसमें सिंगल व्हील होता था, लेकिन वो डीजल RPM उसके ज़्यादा थे लेकिन टॉर्क उसमें कम था। आज के ज़माने में ये समरसेबल लग चुकी है तो इस वजह से पानी की इतनी दिक्कत नहीं है। और लिस्टर इंजन हम बहुत देखने को कम मिलते हैं क्योंकि ये RPM कम वजह से इनका इस्तेमाल कम होता था लेकिन टॉर्क ज़्यादा होता था, तो पानी के लिए RPM ज़्यादा चाहिए, टॉर्क की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो समरसेबल भी हैं आज के ज़माने में वो चलते हैं तो उन्हें करीबन वो 2880 RPM, 2800 RPM, 2800 RPM होते हैं उनके, जब वो पानी देती हैं इतने प्रेशर से। तो उस पानी के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं है लेकिन चक्कर ज़्यादा होने चाहिए तो सक्सेस होता है। तो इसमें ये चलते तो थे, तेल कम का बहुत खाते थे, इस वजह से किसान इसे इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये काफ़ी अच्छे थे। लेकिन समय बदलता है तो उसके साथ बदलना पड़ता है अपने आप को भी और चीज़ों के साथ भी। तो अब समरसेबल लग चुकी है तो अब सब लोग उसी से इस्तेमाल करते हैं। और द ट्रैक्टर फ्राई इधर ये मैसेज चल रहा है रूटावेटर पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।